close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on. अलैकुम, कैसे व्यूअर्स, जैसे कि आप देख रहे हैं इस टाइम हमारे सामने 2008 मॉडल का ब्लैक में प्राडो टीएक्स लिमिटेड है और 2018 मॉडल की होंडा बीआरवी है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने प्यारे भाइयों को ये बता दूं कि जिन्होंने चैनल अभी तक मेरा सब्सक्राइब नहीं किया इसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक किया करें वीडियोज़, कमेंट करें, शेयर फेसबुक पर लाजमी किया करें और इसी से हमारा ये है कि जज्बा और मोरल मज़ीद बढ़ता है। अब आते हैं वापस टॉपिक की तरफ। आज का जो कंपैरिजन है वैसे अगर देखा जाए तो काफ़ी एक अजीब कंपैरिजन है, बिकॉज़ ये कि इन दोनों गाड़ियों का अगर देखा जाए वैसे कोई कंपैरिजन बनता नहीं है। इनमें फ़र्क भी अगर कहा जाए तो गधे घोड़े वाला ही हिसाब किताब है। ये मैं कह रहा हूँ, ये वैसे कोई कहता नहीं होता। देखा जाए तो दोनों गाड़ियों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है और दोनों गाड़ियों में तकरीबन 10 साल का अगर ईयरवाइज़ देखा जाए, 2008 का प्राडो और 2018 की होंडा बीआरवी। और जहाँ तक इंजन की बात है, इंजन भी अगर आप देख सकते हैं 2700 cc पेट्रोल इसका इंजन है और 1500 cc पेट्रोल इसका इंजन है। इंजन वाइज भी अच्छा खासा ह्यूज डिफरेंस है। बाकी दोनों गाड़ियाँ अगर कहा जाए ये SUV की कैटेगरी में आती है और अगर इसको देखा जाए इसको MPV मल्टीपर्पज़ व्हीकल या क्रॉसओवर कहा जाता है ज़्यादातर। जहाँ तक बैग का ताल्लुक है तो बैग भी दोनों गाड़ियों की काफ़ी खूबसूरत है, बट इस गाड़ी में मुझे एक चीज़ नहीं पसंद, LEDs नहीं है इसमें। एक LED लोग लगाते हैं जिसको काफ़ी, यहाँ ज़्यादातर लोग कहते हैं 2007-08 का प्राडो है, बट वो 7-8 का नहीं होता, इसमें एक ही शेप है। इसकी 2003 से एक ही शेप चल रही है, बस LEDs लगाते हैं लोग, समझते हैं ऊपर का मॉडल है, ऊपर की मॉडल की कोई ऐसी बात नहीं है। मुझे BRV से एक ज़रूर है कि बैक इसकी बहुत खूबसूरत है बट LED पूरी नहीं है। LED अगर जस्ट आप देखा जाए तो थोड़ा सा ही है, जस्ट इतना सा एक जलता है ये, कि ये अच्छी बात नहीं है। और अगर इसकी लाइट की बात की जाए, इसमें जो क्रिस्टल लाइट है वो तो उसका तो काफ़ी खूबसूरत लगता है, बट प्राडो में ये चीज़ नहीं अच्छी लगती। ये बड़ा डिम सी लाइट है, आज के टाइम के हिसाब से नहीं है, आज के दौर के हिसाब से नहीं है ये। फिर बैक इंडिकेटर का भी इतना कोई खूबसूरत नहीं है। बाकी ये कि ठीक है, रेन सारा कुछ है इसमें, रेन वाइज़र, बैग वाइपर, टिंटेड ग्लास, स्पॉइलर, हर कुछ है, एक्सटेंडर इसमें भी हर कुछ है। खूबसूरत ये भी लगती है, ये भी लगती है। जस्ट मैंने बताया क्योंकि ये दोनों पुरानी, ये पुरानी गाड़ी है, ये नई गाड़ी है, दोनों में काफ़ी फ़र्क है 10 साल का। तो उसकी जनरेशन एक और है, उसकी जनरेशन एक और है, इस तरह हम देखें तो फिर समझ आती है बात। अगर फ्यूल एवरेज की बात की जाए तो इसकी अगर एवरेज देखी जाए 2008 के प्राडो की, ये तकरीबन करता है 4 से 6 किलोमीटर पर लीटर। इसमें भी डिपेंड करता है आप चलाते कैसे हैं, बट मैंने भी चलाया लॉन्ग पे, यहाँ से मोटरवे से इस्लामाबाद भी इसे लेके गए हैं, ये 6-6.5 से ज़्यादा एवरेज नहीं देता। 110 की बात मैं कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा चलाएँगे तो और कम, 3 से 4 किलोमीटर पर आ जाएगा पर लीटर पर। अगर इसकी बात की जाए होंडा BRV की, तो ये तकरीबन आप कह लें एवरेज जो है इसकी, सर्दियों में एवरेज 4 से 5 एक बंदे बैठे हों तो तकरीबन ये दे देती है तकरीबन 12-12.5, और गर्मियों में 10.5 से 11.5 के राउंड अबाउट इसकी एवरेज है। लॉन्ग पे तकरीबन आप कह लें 1.5-2 किलोमीटर बढ़ जाता है। ये भी तब है जब आप 110 से 120 के दरमियान इसको चलाएँ तब। जहाँ तक क्लियरेंस का ताल्लुक है तो दोनों गाड़ियाँ काफ़ी ऊंची हैं, क्लियरेंस में भी और बॉडी वाइज भी काफ़ी ऊंची हैं। और दोनों गाड़ियाँ अगर देखा जाए 7 सीटर है, ये भी 7 सीटर है, वो भी 7 सीटर है। LEDs का जहाँ तक ताल्लुक है तो LEDs भी किसी गाड़ी में नहीं है, सिर्फ इसमें नहीं होने की वजह से डे लाइट रनिंग है। वैसे BRV जो फुली लोडेड चलती है मलेशिया इंडोनेशिया में, उसमें फुली LEDs पुश स्टार्ट सारा कुछ है,
पुश स्टार्ट इसमें भी नहीं है, इसकी नई शेप में है, इसमें भी पुश स्टार्ट नहीं है, ये भी चाबी वाला है, ये भी चाबी वाली गाड़ी है। जहाँ तक साइड का ताल्लुक है तो दोनों गाड़ियों की साइड भी काफ़ी खूबसूरत है और पता चलता है कि काफ़ी ब्यूटी से बनाया है। उस टाइम के हिसाब से प्राडो का देखा जाए और आज के हिसाब से BRV का देखा जाए तो इसमें शेप वाइज भी खूबसूरत है, रूफ रेल्स अच्छी यूज़ हैं, पता चलता है BRV की भी अच्छी हैं, प्राडो में भी हैं। बाकी क्रोम का भी काफ़ी यूज़ है, प्राडो में इतना नहीं था उस टाइम, बट अब जो आ रहा है उसमें काफ़ी यूज़ है। क्लियरेंस जैसे पहले मैंने बताया, क्लियरेंस का इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, क्लियरेंस दोनों गाड़ियों की बहुत ऊंची है, बट इस गाड़ी में एक मसला है, ये 7 सीटर नहीं है प्रॉपर, ये 7 सीटर नहीं है। और मेरा यही है हमारे होंडा लोकल से, इसे 5 सीटर करें, ये 7 सीट्स की इसमें नहीं है कैपेसिटी, नहीं बड़ा आदमी बैठ सकता, छोटा बच्चा ही एक बैठ सकता है। इंटीरियर वाइज प्राडो का देखा जाए तो प्राडो इंटीरियर इसका ज़रा थोड़ा सा पुराना पुराना लगता है और थोड़ा सा स्मेली स्मेली भी है, क्योंकि पुरानी चीज़ है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं। बाकी एक और चीज़ है, ये 4x4 होता है, इसमें ये कि 3400 cc पेट्रोल भी आता है, डीज़ल भी आता है। BRV में भी मैंने सुना है वैसे किससे कि डीज़ल वर्जन भी आता है। जहाँ तक BRV के इंटीरियर का ताल्लुक है तो काफ़ी इसमें चीज़ें नहीं हैं, बट ये कि अनफॉर्चुनेटली मुझे एक दो चीज़ें इसमें ज़रूर लगती हैं कि जिस तरह LCD है इसका बहुत अच्छा है, बट ये स्टक हुआ हुआ है। हालांकि नई गाड़ी है, मेरा नहीं ख्याल होना चाहिए। और एक ये चीज़ आप देख रहे हैं, डिजिटल इसमें नहीं है, डिजिटल होना चाहिए, लाजमी होना चाहिए। फिर ये देख रहे हैं ये पुराने बटन, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये बटन ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए जो कि मुझे तंग करती हैं। गियर भी इसमें ये कि जैसे वीजल में आता है इलेक्ट्रिक गियर, मतलब इनमें ये चीज़ होनी चाहिए, लिवर वाले गियर अब नहीं चल रहे। और एक चीज़ ये मुझे काफ़ी तंग करती है, उसमें तो चले पुरानी गाड़ी है इसका करके, बट उसमें भी जो नए अब आ रहे हैं उनमें है, बिल्कुल है ये जो फुट ब्रेक है, क्योंकि सारे में होती है इसमें। फिर एक और BRV में मुझे अच्छी चीज़ लगी है कि ये इन्होंने मल्टी स्टेयरिंग दे दी है, और ये है कि वैसे ठीक है गाड़ी फैमिली के लिए, क्योंकि ये है कि आप प्राइस में भी तो फ़र्क देखें ना, पेट्रोल में भी फ़र्क देखें, एवरेज भी तो देखें। फिर ये कि ये एक नई गाड़ी है, ये एक नई गाड़ी है, वो 10 साल पुरानी गाड़ी है, इसमें कोई शक नहीं, वो काम शाम निकालती है और निकालती भी है, बट ये पार्ट चार्ट सारे उसके मिल जाते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। पैनल देखें तो ठीक है, इसमें एक चीज़ जो मुझे बहुत बुरी लगती है, इसमें लाइट नहीं है। अब मैंने सुना है कि जो नए वाले वर्जन इसमें आ रहे हैं इसमें है, बाकी लेदर थोड़ा हार्ड है, हालांकि नई गाड़ी के हिसाब से नहीं होना चाहिए। डैशबोर्ड खुला है, स्पेशियस है, और ये है कि इसमें रडार होना चाहिए, लाजमी होना चाहिए, हालांकि रडार भी कोई नहीं है स्क्रीन पे, मुझे नहीं समझ आई कि क्यों नहीं है। AC की थ्रो अच्छी है, ड्यूल AC भी ठीक काम करता है, बट ये कि 7 सीटर मेरा नहीं ख्याल इसको होना चाहिए। कटिंग देखी जाए सॉफ्ट है इसकी, स्टेयरिंग में देखा जाए, ये मीटर में देखा जाए थोड़ा सा डिजिटल भी इन्होंने राइट साइड पर यूज़ किया है, जो कि एक अच्छी बात है। बाकी एयरबैग इसमें एक है, मुझे भी पता, मैं समझता रहा हूँ दो हैं, बट ये कि मुझे पता चला इसमें एक एयरबैग है, एयरबैग ही नहीं है। उस गाड़ी में प्राडो में अगर देखा जाए तो 4-4 एयरबैग उस टाइम के हिसाब से भी हैं। यहाँ तक साइड देखी जाए दोनों गाड़ियों की तो साइड में भी काफ़ी फ़र्क है। ऊंची जैसे आप सबको नज़र आ रहा है ये है, और नीची ये है, बट प्राइस में भी फ़र्क है भाई, प्राइस में फ़र्क है। मुझे इसके बारे में एक चीज़ है कि इनकी प्राइस भी नीचे आनी चाहिए हमारे मुल्क में, जो कि जिस तरह इसको बड़ी गाड़ी की XLI कहा जाता है, बट ये कि प्राइस ये नहीं तोड़ती, मैं नहीं समझता क्यों। ठीक है, हमारे लोगों ने इसको बहुत पसंद किया है, BRV भी काफ़ी लोग वेलकम कर रहे हैं, अगर BRV के बारे में भी देखा जाए, BRV भी लोग काफ़ी इसे वेलकम किया है लोगों ने हमारी मार्केट में। जहाँ तक डिग्गी का ताल्लुक है तो डिग्गी में भी ये है कि इसकी स्पेस है काफ़ी है उस हिसाब से, बट इसमें भी अगर देखा जाए क्रूज़र जो आता है उसमें इससे भी ज़्यादा स्पेस होती है, 7 सीट्स हैं। नेव जो अब आ रहे हैं प्राडो उसमें इलेक्ट्रिक सीट्स आती हैं, बाकी ये 7 सीट्स की आप लेग स्पेस भी देख सकते हैं, अच्छी खासी लेग स्पेस है, और आप खुले डुले होके बैठते हैं। एक ये भी इसमें चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, बट ये कि BRV में चीज़ नहीं हो सकती, BRV में बहुत मुश्किल है बैठना, BRV में बहुत मुश्किल है। और एक और चीज़ है इसमें, क्योंकि क्रूज़र में होता है, इस नए वाले प्राडो में भी है, इसमें थोड़ा वेंटिलेशन का भी मसला है, जो 7 सीट्स वाले हैं उनमें वेंटिलेशन अगर आप देखें कोई ऊपर कुछ नहीं है, वेंटिलेशन का कोई प्रोसेस नहीं है जो कि होना चाहिए। बिल्कुल है ये ड्यूल AC, मगर ड्यूल AC आगे वाले जो बैठे हैं उनके लिए ये खुली है, बट यही है कि अगर आप सीट अगर ज़्यादा सामान रखना है इसको करना पड़ता है, 7 सीट्स को जो 7 सीटर है इसको टिल्ट करना पड़ता है। बट एक चीज़ ये है कि इसमें देख रहे हैं जगह बिल्कुल नहीं है, 7 सीट्स की जगह कोई नहीं है, और ड्यूल वेंटिलेशन है बिल्कुल है, वो उधर वालों के लिए, इधर वालों के लिए कोई वेंटिलेशन सिस्टम नहीं है, इधर वालों के लिए गर्मियों में काफ़ी एक वर्स आप कह लें सफ़र रहेगा, और एक तो तंगी की वजह से और एक हवा की वजह से, तो ये है। बट आप देखें प्राइस में भी बहुत फ़र्क है, फिर मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और मैन्युफैक्चरिंग में फ़र्क है, ये लोकल है, वो हमारी जैप वो आती है जैपनीज़ गाड़ी में आती है। तो ये चीज़ें हैं चंद जो मैंने इसमें नोट की हैं, जो कि हैं लाजमी हैं। जहाँ तक लुक की बात की जाए, खूबसूरती की बात की जाए, तो
तकरीबन दोनों शेप की। इस शेप को हमारे मुल्क में बहुत पसंद किया गया और अगर इसको कहा जाए बड़ी गाड़ी की XLi GLi तो कोई गलत बात नहीं होगी। अब आते हैं इसकी तरफ, BRV जो कि लॉन्च हुई थी 2017 में पाकिस्तान में, इसने भी काफ़ी हद तक मार्केट कैप्चर कर ली और मार्केट अपनी काफ़ी बना ली है और लोगों ने इसको लेना शुरू कर दिया है। बट एक चीज़ है, मैं एक चीज़ ज़रूर सोचता हूँ, ये गाड़ी 2009, 10, 11, 12 जब भी आती थी ये तब भी तकरीबन 35 से 40 लाख की थी। आज भी ये गाड़ी, ये 8 मॉडल है, ये तकरीबन 55, 58 ये इतने का मिलता है, यानी 55, 57, 58 डिपेंड ऑन कंडीशन। बट इस गाड़ी में देखा जाए तो ये डेप्रिसिएशन थोड़ी ज़्यादा है। ये अगर आपको ये गाड़ी मिलती है इस टाइम तकरीबन आप कह लें इसकी सारा कुछ डाल के, नंबर रजिस्ट्रेशन डाल के, ये आपको 27 लाख की पड़ती है, तो ये बाद में बिकती एक ही साल में 23, 23.5 लाख से ज़्यादा की नहीं बिकती। सेम ईयर की गाड़ी की मैं बात कर रहा हूँ। सनरूफ की बात की जाए तो प्राडो में सनरूफ आता है, BRV में हमारे लोकल में नहीं है। वैसे मुझे इसके बारे में ज़्यादा पता है, मेरा ख्याल है जो फुली लोडेड दूसरा बाहर वाला ऑप्शन है उसमें ज़रूर आता है। उम्मीद करता हूँ कि मेरा आज का प्राडो का और BRV का कंपैरिजन आपको पसंद आया होगा। वैसे अगर देखा जाए कंपैरिजन कोई इसका बनता नहीं है, बट फिर भी मेरी पूरी कोशिश थी, मैंने जहाँ तक मुझे समझ आई मैंने ज़रूर बताया, ज़रूर किया। बाकी ये इसको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, कमेंट किया करें ताकि हमें आपकी राय का पता चले, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और मेरी पूरी कोशिश है ऐसे अच्छी और वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँ कंपैरिजन की। बाकी एक चीज़ और नज़र आ रही है पीछे कि जो मेरा कोई प्यारा भाई ब्रा मेरा कोई वापडा चे है ना, तो उन्हें वास्ते मेरी एक रिक्वेस्ट है उन्होंने वास्ते कि भाइयों अपने खंभे ते तारा सारे पाकिस्तान तो ला दो, अल्लाह ताला परिंदियां वास्ते कोई होर बैठन की जगह बना लेगा। अब भाई यही कह सकते हैं, आगे तो जितनी वैसे भी लाइट जानी है और कोशिश मेरी यही है भाइयों, ज़्यादा लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और इंशाल्लाह ऐसे अच्छे और वीडियोज़ रिव्यूज़ लाते रहेंगे। और दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।